स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ वासियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, सभी मल्टीप्लेक्स को किया गया फ्री, देशभक्ति की फिल्म मुफ्त में दिखाए जाने के दिए निर्देश। सीएम आवास पर बच्चों से मिले सीएम योगी, रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों से मिले योगी। यूपी बीजेपी के नए कप्तान पर सस्पेंस बरकरार, 2024 चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है चर्चा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख, सीएम समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बांदा नाव हादसे का वीडियो आया सामने, बीच जलधारा में तेज हवा का झोंका आने से नौका डगमगा गई। यूपी के बांदा में यमुना नदी में डूबी नाव, नाव हादसे में अब तक 3 शव बरामद, 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बांदा में रात भर चला सर्च ऑपरेशन, नाव में करीब 35 लोग थे सवार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री राकेश सचान और रामकेश निषाद पहुंचे बांदा, हंगामा कर रहे परिजनों को कराया शांत। बांदा हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। बांदा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और डीसीएम में हुई टक्कर, 2 महिला समेत 4 की हालत गंभीर। बुलंदशहर में आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला, हादसे से गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। फिरोजाबाद में स्लीपर कोच बस हादसे का शिकार, कई लोग जख्मी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, नेपाल पोखरा से दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, 30 से ज्यादा यात्री जख्मी। यूपी के नोएडा में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, एक कार के उड़े पर खच्चे तो दूसरी कार पलटी, कार सवार 6 लोग जख्मी। अमेठी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में सांडो का आतंक, मासूम को पटक पटक कर मार डाला, भाई को राखी बांधने जा रही थी, थाना 49 की घटना। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा है खामियाजा, पत्थर लगने से बच्ची की मौत। एटा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीएससी और सिविल पुलिस एक समान, पीएससी से सिविल और सिविल से पुलिस पीएससी में हो सकता है तबादला। नोएडा में महंगी हुई जमीन, आवासीय और कमर्शियल जमीन की कीमत में 30% की बढ़ोतरी, बिल्डर पूरा भुगतान करेंगे तभी प्लॉट होगा आवंटित। यूपी में ओवैसी को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश सचिव इरफान पठान ने AIMIM से दिया इस्तीफा। औरैया की SP चारू निगम ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा, अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों को किया जागरूक। अमृत महोत्सव के मौके पर गोरखपुर पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, हाथों में तिरंगा लेकर लोगों को किया गया जागरूक। अमेठी पुलिस ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, गौरीगंज से मुंशीगंज रोड पर लोगों ने लगाई दौड़, पुलिस विभाग के 100 लोग मैराथन में हुए शामिल। अमृत महोत्सव को लेकर प्रयागराज के लोगों में भारी उत्साह, घर दुकानों गाड़ियों पर लहरा रहा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर श्रावस्ती पुलिस की तरफ से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, SP अरविंद कुमार ने प्रतियोगिता को दिखाई हरी झंडी। बलिया में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान युवक पर चाकू से हमला, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हत्या से सनसनी। नोएडा के सेक्टर 82 में फ्लैट में लाखों की चोरी की वारदात, 12 लाख की ज्वेलरी और 30,000 कैश लेकर फरार हुए चोर। फिरोजाबाद में खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना, रसूलपुर थाने में तैनात एक महिला सिपाही ने दारोगा पर लगाया छेड़खानी का आरोप। आगरा में एक युवक ने चाची को बंधक बनाकर चाकू से किया हमला, खुद को भी मारा चाकू, इलाज के दौरान चाची की मौत। ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंग ने खुलेआम तमंचा लहराकर दी गोली मारने की धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में चलती हुई बाइक के हेडलाइट से निकला सांप, चलती बाइक से कूदे दंपति, वहां मौजूद गांव वालों ने सांप को किया बोतल में बंद। रक्षाबंधन की छुट्टी और ताजमहल में फ्री एंट्री को लेकर पहुंची रिकॉर्ड भीड़, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां। यूपी के कन्नौज में 2 पक्षों के बीच भारी बवाल, जमकर हुआ पथराव, कई राउंड फायरिंग भी की गई, हिरासत में 3 लोग लिए गए। यूपी के अमरोहा में चंदन तस्करी के आरोपी की 33 लाख की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने मुनादी कराते हुए की कार्रवाई, माफियाओं में मची खलबली। संभल में स्वतंत्रता सेनानी और बुजुर्गों के सम्मान में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, स्वतंत्रता सेनानी और बुजुर्गों के नाम पर रखे जाएंगे अमृत सरोवर तालाब के नाम। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोगों को सफाई अभियान के लिए किया जागरूक,
झाड़ू लेकर की सफाई। प्रयागराज में 3,40,000 की नकली नोट के साथ दो लोग गिरफ्तार, नैनी इलाके से पकड़े गए दोनों आरोपी। यूपी के सिद्धार्थनगर में क्लासरूम के अंदर टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल, बच्चों के बीच सोते दिखे टीचर। यूपी के जौनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, तिरंगा यात्रा में विधायक और राज्यसभा सांसद नाचते हुए नजर आए। अयोध्या में साधु संत कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में साधु संत तिरंगा यात्रा निकालने की कर रहे हैं तैयारी। बागपत में बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, डीएम और सांसद ने बाइकों पर तिरंगा लगाकर निकाली तिरंगा रैली। बहराइच में बाघ में भैंस जाने पर दो समुदायों में विवाद, धारदार हथियार से लैस दबंगों ने गांव में काटा बवाल। मेरठ में एक युवती का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप, बीच चौराहे पर युवती का शव फेंक कर फरार हुए बदमाश। कानपुर में सेंट्रल बैंक में लॉकर से चोरी, करीब 2 किलो सोना और 600 ग्राम चांदी गायब, बिस्किट कारोबारी के लॉकर से चोरी। अलीगढ़ में महिला के साथ छेड़छाड़, मजनू को पड़ा भारी, छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने की शोहदे की पिटाई। बलिया में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है, विकास भवन में नालियों के पास जमीन पर रखकर तिरंगा बनाने का काम हो रहा है। शामली में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की गुंडई, मामूली कहा सुनी के बाद ग्राहक को पीटा। चंदौली में रक्षाबंधन पर सीओ सकल डीहा अनिरुद्ध सिंह ने बंधवाई राखी, मुंह बोली बहन शिखा यादव से सीओ ने बंधवाई राखी। हरिद्वार में खेल खेल में चली गोली, एक युवक जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले के मामले में बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा प्रेमनगर आश्रम चौक पर जाकर संपन्न हुई। उत्तरकाशी के धारी कपनोल मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त, नैणी के पास सड़क का 25 मीटर हिस्सा बहा, काश्तकारों के सामने खड़ी हुई मुसीबतें। गैरसैंण में बारिश ने मचाया कहर, आगरचट्टी गांव में भारी बारिश, कई घर आए मलबे की चपेट में, सड़क निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार। कोटद्वार में सेना भर्ती की तैयारी, 19 अगस्त से शुरू हो रही भर्ती की प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन का वाहन मालिकों को हिदायत, फिक्स किराए से ज्यादा नहीं वसूलेंगे ड्राइवर। गोंडा के मंडलीय कारागार में जेल में बंद कैदियों को जेल जाकर बहनों ने बांधी राखी, डिप्टी जेलर का आदेश, किसी की बहन ना जाए खाली। लखीमपुर में रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी जेल में बहनों का जमावड़ा, बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। महोबा में कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार, सालों से चली आ रही है परंपरा। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के विरोध में बीजेपी का महाधरना, जिला मुख्यालयों में बीजेपी का धरना। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन, जेडीयू पर जनादेश के अपमान का आरोप। नीतीश सरकार के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल जारी, 13 अगस्त को प्रखंडों में सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन का आयोजन। पीएम की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार का बयान, हमारे पास बहुत लोगों का फोन आ रहा है, कोशिश करेंगे विपक्ष के लोग एकजुट हों। आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बढ़ी चाहत, कहा 2024 में नीतीश बने पीएम पद का चेहरा। 8वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार के समर्थकों की डिमांड, नीतीश कुमार का विकास मॉडल पूरे देश में हो लागू। गिरिराज सिंह सीएम नीतीश पर हुए हमलावर, ट्वीट में लिखा सड़क पर ईमान, धर्म बेचेंगे नीतीश जी और तेजस्वी के मॉल से खरीदेंगे ईमान धर्म। सुशील मोदी के वार पर सीएम नीतीश का पलटवार, कहा ना उपराष्ट्रपति बनने की थी चाहत, ना सीएम पद की चाहत। पिता लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव, जी मीडिया से बोले तेजस्वी, आरजेडी नीतीश के साथ मजबूती से खड़ी, 10 लाख नौकरी देने का वादा करेंगे पूरा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा सीएम बनने पर करूंगा सभी वादे पूरे, ईडी को बताया, पुलिस से भी बुरा, कहा बीजेपी के सीने पर सांप लौट रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने मंत्री पद मिलने की जताई उम्मीद, कहा मंत्री पद मिल गया तो मीडिया को खिलाएंगे लॉलीपॉप। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले 2000 जिंदा कारतूस बरामद होने से दहशत, कारतूस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2 बैग के साथ सप्लायर्स को गिरफ्तार किया, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा ₹500 का जुर्माना।
कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान के आरोपों पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले इस तरह के रवैये से गिरता है खिलाड़ी का मनोबल, आपने आरोपों को खारिज किया। महाराष्ट्र के नासिक में 14 अगस्त को बंटवारा दिन के रूप में मनाया जाएगा। नासिक जिला शिक्षण अधिकारी कार्यालय ने बंटवारा दिन मनाने के लिए आदेश जारी किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्वालियर पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए किया जागरूक। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर को दिलाने की साजिश को किया नाकाम। बीते दो दिनों में बडगाम और राजौरी में मारे गए 5 आतंकी। गुजरात के आनंद में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे परिवार हुए हादसे का शिकार, कार ऑटो रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर। मुंबई के बांद्रा में 3 हमलावरों ने चलाई गोलियां, हॉकर्स के बीच विवाद के बाद हुई फायरिंग, मामले की जांच कर रही है पुलिस। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मंकी पॉक्स और लंपी वायरस से लड़ने के लिए हुआ यज्ञ, महामारी को समाप्त करने की कामना। सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, तेल मंत्रालय ने किया पुरानी नीति को दोबारा लागू करने का ऐलान। अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में नहीं हो सकेंगे शामिल। एक डिवाइस, एक चार्जर, मोबाइल लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, अब चार्जर एक ही होगा, सरकार जल्द लेगी फैसला। डिजिटल लैंडिंग ऐप्स पर बढ़ेगी निगरानी, आरबीआई ने जारी किया नियमों का पहला सेट, कहा पेमेंट की वसूली थर्ड पार्टी से कराने की इजाजत नहीं। लेबनान के बैरूत में बंदूकधारी ने बंधक बनाए गए बैंक कर्मियों को छोड़ा, फ्रीज फंड का छोटा हिस्सा देने को राजी हुआ बैंक। फ्रांस के जंगलों में आग लगने के बाद 10,000 लोगों ने छोड़ा अपना घर, फ्रांस में इस साल करीब 60,000 हेक्टेयर जंगल हो चुका है खाक। पुर्तगाल के जंगल में आग लगने की वजह से नेशनल पार्क जलकर खाक, अब तक 10,000 हेक्टेयर जंगल आग से हुआ तबाह। हीट वेव से परेशान इंग्लैंड और वेल्स में 35 डिग्री तक पहुंचा पारा, यूरोप में इस साल भयंकर गर्मी से लोग परेशान। सूखे की मार झेल रहे मैक्सिको के सिर्फ 10% डैम में ही पर्याप्त पानी बचा, तापमान बढ़ने के साथ ही किसानों की बढ़ी मुसीबत। ताइवान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा चीन के साथ अभी भी सैन्य खतरा, लेकिन ताइवान संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा और न ही विवादों को भड़काएगा। कोरोना से बुरी तरह बिगड़ी थी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की हालत, किम जोंग उन की बहन ने रोते हुए एक कार्यक्रम में खोला भेद। कनाडा के टोरंटो में बिजली की समस्या से लोग परेशान, शॉपिंग मॉल से लेकर बैंक के कामकाज पर पड़ रहा है असर। 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस, विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीरें। जिम्बाब्वे दौरे पर केएल राहुल होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान, शिखर धवन को बनाया गया उपकप्तान। फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पेनेसर, बोले फिल्म में भारतीय सेना और सिखों का अपमान हुआ। जिम्बाब्वे दौरे से पहले वॉशिंगटन सुंदर चोटिल, काउंटी क्रिकेट के एक मैच में फील्डिंग के दौरान हुए चोटिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका दौरे पर, कमाई गई धनराशि को श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए करेगी दान, लोग कर रहे हैं तारीफ। जैकलीन का खूबसूरत वीडियो आया सामने, वीडियो में जैकलीन गाय को चारा खिलाती हुई नजर आई। कृति सनन ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में कृति जमकर मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने क्रिस्टल डिसूजा के साथ प्यारा सा वीडियो किया शेयर, वीडियो में दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हुए आ रही हैं नजर।